नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पिछले गुरुवार को वसई के पापड़ी में एक हादसा हुआ था। पापड़ी तालाब में टूटे हुए गेट के नीचे दबकर एक मासूम बच्ची की मौत हो गई थी। उस मामले पर सबसे पहले यह मामला था करीब शाम के 6:45 बजे, गुरुवार के शाम को 6:45 बजे के करीब का, और सेफ न्यूज लाइव की टीम ने वहां पर सबसे पहले 7 बजे के आसपास वहां पर पहुंचते हुए वहां की वस्तु स्थिति आपको दिखाई थी अपने चैनल के माध्यम से, और ये मांग की थी कि इसमें गुनहगार जो है उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। और जो तालाबों में वसई विरार महानगर पालिका के तालाबों में जो अनियमितता है उनको उजागर किया था। उसके बाद तब तत्कालीन समय में पुलिस ने एडीआर दाखिल करते हुए जांच शुरू की, लेकिन फिर धीरे धीरे सेफ न्यूज लाइव यहीं नहीं रुका। सेफ न्यूज लाइव ने मीरा भाईंदर वसई विरार के आयुक्त सदानंद दाते साहब को भी इस बारे में कहा कि सर, इस मामले में गुनाह दाखिल होना चाहिए जिम्मेदार लोगों के ऊपर। और सेफ न्यूज के लाइव के अलावा भी कुछ सामाजिक लोगों ने ये मांग उठाई, तो उन सबका ये असर हुआ। कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया और उस ऑर्डर के ऊपर वसई पुलिस स्टेशन में कल शाम को वसई विरार महानगर पालिका के जूनियर इंजीनियर कुणाल पाटिल के खिलाफ मामला 3 धाराओं में दर्ज किया गया, 304A, 337 और धारा 338। इन 3 धाराओं में वसई विरार महानगर पालिका के जूनियर इंजीनियर जो कि ठेके पर कार्यरत है कुणाल पाटिल, उसके खिलाफ निग्लिजेंस का मामला दर्ज किया गया। आपको यह बता दूं, पिछले 9 महीने से कुणाल पाटिल प्रभाग आई का कार्यभार देख रहे हैं इस वार्ड का, और उस वार्ड में इनकी निग्लिजेंस थी। पुलिस ने भी कार्यवाही की, अभी तक कुणाल पाटिल की गिरफ्तारी नहीं हुई है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। सर, पिछले सप्ताह पापड़ी तालाब में हादसा हुआ था, उस मामले में क्या परिस्थिति, अभी वर्तमान स्थिति क्या है? पापड़ी तालाब का जो पिछले बाजू का जो गेट है वो निकल के वॉल कंपाउंड में लगाया था। उधर एक मासूम बच्चे खेलते खेलते समय उसके सर पे वो गेट गिरा और वो ऑन द स्पॉट वो उसमें मौत हो गई। उसके बारे में वसई पुलिस ने एडीआर दर्ज किया था। एडीआर में सब एविडेंस पंचनामा और विटनेस स्टेटमेंट लेके एक गुना दर्ज किया है। उसमें म्यूनसिपालिटी का जूनियर इंजीनियर उसको पर आरोप लगा के केस दर्ज किया। एक तरफ इस मामले में कुणाल पाटिल के ऊपर मामला दर्ज हुआ, काफी सराहनीय बात है, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी महानगर पालिका को कुछ चीजों की सुधार की जरूरत है। और कहीं ना कहीं कुणाल पाटिल के ऊपर जो मामला दर्ज हुआ वो बराबर है, लेकिन कुणाल पाटिल को ही सिर्फ बलि का बकरा क्यों बनाया गया, यह सवाल बड़ा है। क्योंकि इसमें जितनी निग्लिजेंस कुणाल पाटिल की है उतनी ही निग्लिजेंस वहां के उपभियंता की भी है। ऐसा बताया जाता है कि ठेकेदार का ठेका 5 साल पहले रद्द खत्म हो चुका था, ऐसा सुनने में आया है। हालांकि हमने उपभियंता से कितनी बार कॉन्टेक्ट करने का, संपर्क करने का कोशिश किया, लेकिन वो मिले नहीं। और अगर ऐसा था और जब रोड पर ये स्थित है, बार बार गेट टूटे होने की शिकायत लोग भाग कर रहे थे, तब इन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया? और सिर्फ ये ही नहीं, पापड़ी तालाब ही नहीं, पापड़ी के अलावा भी कई तालाब है जिनकी दुर्दशा वसई विरार की जग जाहिर है। हम भी कोशिश करेंगे कि एक सर्वे इस बारे में किया जाए, सब तालाबों की दशा आपको आगे इस सीरीज में दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यह प्रशासनिक नाकामी है। उप अभियंता अपने एसी के रूम में बैठे रहते हैं, एसी ऑफिस में बैठे रहते हैं,
और ऐसे तालाबों में इस तरह से एक बच्चे की जान चली जाती है और लास्ट में नतीजा ये आता है कि जूनियर इंजीनियर को बलि का बकरा बना दिया जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि इस मामले में जितना जिम्मेदार जूनियर अभियंता है, जेई है, जूनियर इंजीनियर है, उतने ही जिम्मेदार डेप्यूटी इंजीनियर है। फिर से अपनी बात दोहराऊंगा कि जितने जिम्मेदार इस मामले में जूनियर इंजीनियर है जिनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है, उतने ही जिम्मेदार डिप्टी इंजीनियर भी है। और इस चीज का भी महानगर पालिका को खुलासा करना चाहिए कि अगर कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था तो इसके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी थी, महानगर पालिका की अपनी थी या किसी को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट ने 8 दिन बाद में यह मामला दर्ज किया, फिर भी आज मामला दर्ज हुआ है तो कहीं ना कहीं पुलिस के काम पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। पुलिस अपना अच्छे से काम कर रही है लेकिन महानगर पालिका आला अधिकारियों को इन पे ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे कई चीज़ें हैं वसई विरार में जिनको बार बार उठाया जाता है लेकिन तब भी सभी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। तो सेफ न्यूज लाइव की ये मेहनत रंग लाई और आज इस मामले में एक बच्ची को, छोटी मासूम बच्ची को, 6 साल की बच्ची को न्याय मिलने की राह आसान हुई। अभी के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।